फिर से मैं एक कहानी आपके सामने लेके आए हूँ, और इस कहानी के लिए आप लोग अपने बाइबल को खोलेंगे और देखेंगे। और जैसे कि हम अभी देख रहे थे, पिछले हमने देखा कि केन और हाबिल का जो हमने पाप देखा था, वहाँ हमने देखा था कि जो आदम और हवा की जो पहली संतान थी वो केन और हाबिल थी, और उसमें केन ने हाबिल को मार दिया था। और यहाँ पे केन क्योंकि गलत हो गया, उससे अलग होने के कारण उसका वंशवृद्धि को हम नहीं देखेंगे, परंतु हम देखते हैं कि आदम और हवा की तीसरी संतान और हुई जिसका नाम था शेर, और वहाँ से हम वंशावली को देखेंगे। और आगे की जो स्टोरी है जहाँ पे हमने देखा है, वहाँ पे पूरी वंशावली दी गई है कि किस प्रकार से शेर से मनुष्य उत्पन्न हुए और बेटा बेटियाँ उत्पन्न हुए, और फिर उनके बेटा बेटियाँ, फिर उनके बेटा बेटियाँ, ऐसे करते 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 दुनिया में बहुत सारे लोग हो गए। और वहाँ पे लिखा हुआ है 6वें अध्याय में कि परमेश्वर ने जब देखा कि बहुत लोग बढ़ गए और बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर को ये सारी चीज़ें दुख पहुँचाने वाली हो गई। और 6वें उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है कि तब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन में विचार आया कि जो कुछ उत्पन्न है वो निरंतर बुरा, उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने मनुष्य के जीवन में बुराई देखी, और वो जो मन में सोचते हैं वो सब बुरा ही सोचते हैं। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसको जो लोग हैं जो पाप कर रहे हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर पाप से नफरत करता है। और यहाँ लिखा हुआ है, और यह हुआ पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाया था जैसे आदम और हवा के हमने सुना, और उनसे वंश उत्पन्न होते चले गए और बढ़ते गए। तो परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य बनाने से पछताया और उसका मन खेदित हुआ, और वचन भी यही कहता है कि वो उसको नाश करने के लिए उसने मन को विचार बना चुका था। परंतु इस संसार के अंदर एक ऐसा मनुष्य था जो धर्मी था, और 9वें पद में हम देखते हैं कि नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। यहाँ देखते हैं कि नूह जो व्यक्ति था वो धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर का अनुग्रह उसको पड़ता, और परमेश्वर ने चाहा कि इस मनुष्य के द्वारा मैं मनुष्य जाति को फिर मैं बचा लूँगा। और परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी कि तुझे अपने बेटों के साथ, यहाँ यदि हम देखें 10वें पद में कि नूह से शेम, हाम और याफेत नाम के 3 पुरुष उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और यहोवा ने पृथ्वी पर जो दृष्टि में क्या देखा कि ये बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल बिगाड़ ली है। यहाँ साफ दिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि सब लोगों ने अपनी चाल बिगाड़ ली, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न है मेरे सामने आ गया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी से नाश करूंगा। इसलिए तू भूपेड़ वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर और बाहर उस पर राल लगाना। परमेश्वर ने कहा कि एक गोबेर नाम का जो एक लकड़ी आती है जिसमें एक पानी में सड़ती नहीं है, और परमेश्वर ने कहा कि उसकी लकड़ी से तू एक जहाज बनाना और उसमें कोठरियाँ भी बनाना। बोलते हैं कि जो जहाज बना हुआ है 3 लेवल पर बना, नीचे और बीच में ऐसे 3 मंजिल का उन्होंने जहाज बनाया, और ये आसान काम नहीं था, परंतु तो जो नूह था वो धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, क्योंकि परमेश्वर से वो कह सकता था कि अभी तो यहाँ पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा जहाज बना के मैं क्या करूँ, परंतु वो आज्ञाकारी था। इसलिए जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी तो वो और उसके बिट्टू मिलकर उस जहाज को बनाने लगे। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जहाज में एक लड़के खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज के एक अलग से एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी भर रहे हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ इसलिए कि तू अपने पुत्र स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जाति के प्राणियों में से एक एक जाति के दो दो और एक नर और एक मादा जहाज में ले आकर अपने साथ जीवित रखना, और एक एक जाति के पक्षी
पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति की भूमि पर रहने वाले सब में से दो और तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे और भांति भांति का भोज्य पदार्थ खाया जाता है उनको तू लेकर उनके पास इकट्ठा कर रखना जो तेरे और उसके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहाँ साफ दिखाया परमेश्वर ने कि तू इस प्रकार से जहाज बनाना और उसके बाद हर जाति के जो प्राणी हैं नर और मादा करके उनको तू रखना, उनके लिए भोजन, क्योंकि यदि रखते हैं तो उनको भोजन की व्यवस्था उनके लिए करना, क्योंकि वो खाएंगे तभी तो वो जीवित रहेंगे। परमेश्वर ने उनसे कहा हर जो जो खाना खाता है, जो जो उनका भोजन है उसके अनुसार उस जहाज में तू रखना और सारे लोगों का प्रबंध तुझे करना और वो अपने आप ही आएंगे। और ऐसा नहीं, परमेश्वर ने कहा वहाँ शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पक्षियों को रखना। मतलब इसमें हम देखते हैं कि कुछ पक्षी जानवर ऐसे हैं जो अशुद्ध भी कहलाते हैं, परंतु परमेश्वर ने जानवरों को एक वचन के द्वारा बोला था कि सारे मतलब धरती पे बन जाए, हर जाति के जानवर बन जाए, हर जाति के पक्षी बन जाए। और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अशुद्ध जो कुछ भी बनाया था उनमें से एक एक जोड़ी जो नर और मादा है वो जहाज में रखने, वो अपने आप ही परमेश्वर की योजना के तहत जब उसका जहाज बन गया और नूह ने उस आज्ञा को माना, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इस आज्ञा को नूह ने मांगा और उस प्रकार वो आज्ञा को मानते हुए उनके तीनों बेटों ने और बहुओं ने मिलकर इस बात को पूरा किया। जहाज बनाया गया, सुंदर बनाया गया और उस काम को उन्होंने पूरा किया। वैसे जब हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं, हमको आज्ञा देते हैं कि हमें ये करना है, परमेश्वर इस कहानी से हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना, हमें अपने माता पिता की आज्ञा को मानना। हम बहुत बार अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते। हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे माँ बाप हमको अच्छी शिक्षा देते हैं और हमारी भलाई के लिए ही बताते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में और अपने माँ बाप के विरुद्ध में जब बात करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं तो हम पाप करते हैं और जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमसे नाराज होता है। यदि हमें परमेश्वर की आशीष मांगना है, यदि हमें आशीष चाहिए है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है जो हमें वचन के द्वारा बताई गई। अब आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह तो हमको बोल ही नहीं रहे कि झूठ बोलो नहीं, तो हम छोटे हैं, अभी हम नहीं समझते, परंतु हमारे माँ बाप जो बाइबल पढ़ते हैं और वचन में हमें सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, लालच नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, हमें अच्छा जीवन जीना है, तो वो अपने बाइबल के अनुसार जब वो हमको बताते हैं तो हमें वचन के अनुसार परमेश्वर के कार्य को करना है। मतलब अपनी ईमानदारी से जब हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं और वचन को मानते हैं उसके अनुसार, तो हम एक अच्छे बच्चे कहलाते हैं। तो हमें नूह के समान धर्मी बनना है, नूह के समान हमें आज्ञाकारी बनना है, नूह के समान हमें जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार चलना है। जब हम चलते हैं तो हम बचाए जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने एक डिसीजन ले लिया था कि मैं सबको मारूंगा। परमेश्वर ने बनाया सबको था, सबसे प्रेम करता था, पर वो पाप में पड़ जाने के कारण क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए थे। परमेश्वर से खेदित था, परमेश्वर से नाराज था और परमेश्वर को एक डिसीजन लेना पड़ा। तो ऐसे डिसीजन ना लेना पड़े इसलिए हमें परमेश्वर जो कहता है हमें परमेश्वर का वचन मानना है और अपने माँ बाप का आदर करना है, ताकि हम परमेश्वर की उन आशीषों को पालें और नूह के समान हम बचाए जाए। तो ये था हमारा आज का जो स्टोरी। और जैसे कि हम यदि सातवें अध्याय में हम यदि देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है जो हम अभी आगे के एपिसोड में देखेंगे। तो आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।